सिवान के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के हकाम हाईवे के समीप एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक बुर्का पहनी महिला को अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल से आके गोली मारी है। ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों ने गोली मारी है उसमें एक महिला भी थी जिसने गोली चलाई है, वो भी बुर्का पहनी हुई थी। फिलहाल इस घटना में एक महिला की घटना घायल है, जिसे स्थानीय सदर अस्पताल लाया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है जो टेम्पो में मृत महिला के साथ आ रही थी। वहीं पुलिस जांच के बाद ही कुछ भी कहने की बात कर रही है। नहीं है तो देखे नहीं है कि केहू ये जिन आ रहा है, ठीक बा। एगो गाड़ी ये जाके रोक रहा है तो हमने के गांव में रहने से हालत सुन ली, गोली चल रहा यो मालूम ना रहे कि मरल है कि नहीं है। लगा के देखा तो मार के मुंह देला बड़ा सा पहले ही से। कौन कौन किसको मारा गया? एक औरत थी, वो औरत के हाथ में चैन था। क्या पता जो मार रहा था उसका चैन वो पकड़ा है, औरत की जो मराई है औरत उसका चैन दूसरा कोई मार रहा था। क्या पता लड़की थी? औरत थी जिसकी गोली मार के हत्या हुई है। यहाँ किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम सुने हैं कि वही गिरफ्तारी हो गई। ओपी थाना बोल रहे थे कि दो औरत को हम लोग रास्ते में गिरफ्तार किए हैं। अब क्या पता वो औरत गोली चलाई है कि नहीं चलाई है, तो हम तो नहीं बता सकते हैं। अभी है ना, तीन है ना महिला आई है हॉस्पिटल में, एक है ना ब्रॉड डेड है ऑलरेडी, है ना रास्ते में है ना उसकी मौत हो चुकी है। दो महिला आई है जिसका इलाज चल रहा है, एक का हाथ में है ना गोली लगी है और एक का है ना गर्दन में गोली लगा है। ये दोनों महिला स्टेबल है, अभी है ना दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है और एक्सरे के बाद पता चलेगा कि आगे क्या सुनना मतलब।